मुल्ड करना सीखो बजरंग बली आपके साथ हैं। This सीख is के a रखा भाई, ऐसा तो simulation कुछ नहीं game है set यार। in a virtual world मेरे साथ and जो does बूट कैंप कर not रहे हैं, मेरे साथ represent जो बंदे real रहे हैं। life. Please play. आप किसे ही पूछ सकते हो मैं कैसा अबे इंसान हूँ यार। अभी मैं सीखिंग था 1 महीने के लिए, ठीक है, मेरा ट्रायल था एक तरह से। मैं सांगवान बिलीव और ड्रीम और एक और बंदा है, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं कैसा बंदा था, मैं बूट कैंप पे कैसे रहता था, कितना चिल रहता था सबके साथ, या फिर कितना क्या था। गुस्सा आता था वो सिर्फ गेम में आया, अगर आया एक दो बार बोल दिया, वरना गेम के बाहर बिल्कुल सेम। उन पे हैकर एलिगेशन भी थे हालांकि। अब भाई देखो, मेरे को जब सीके में लिया गया मुझे नहीं पता था कि ये लोग भी आएंगे, बट जब लिए गए तो मेरे को क्लियर था यार। मैंने कहा बूट कैंप पे खेलेंगे, किसी को घर से नहीं खेलने दूंगा, बात खत्म। बूट कैंप पे लड़के खेलेंगे, कोई हैक करेगा तो सीधा पकड़ लाएगा। कितने हैक नहीं किया, हालांकि मेरे को लगता भी नहीं कितने हैक किया होगा पहले। बाकी ठीक है, मेरे आगे तो नहीं किया, 1 महीना मैं उनके साथ था, मेरे साथ किसी ने हैक नहीं किया भाई, सिंपल सी बात है। और मैं गारंटी लेके भी गया था कि मैं कहा मेरे साथ तो नहीं कर सकता, मैं कुछ गंडों की तरह नहीं हूँ कि मुझे पता है मेरे साइड वाले पास वाले मेरे वाले हैक, और मैं फिर भी गंडों की तरह वो करता रहूँ, मेरा वो नेचर ही नहीं है भाई। मेरी टीम में अगर कर रहा होता, अगर मेरे साथ रह के कर रहा होता जब मैं आया उसकी टीम में, मेरे को तो सच में नहीं पता था कि उन पर हैकर एलिगेशन भी है, क्योंकि मैं इतना देख नहीं रहा था गेमिंग में उस टाइम, मुझे बाद में लोगों ने बोला। बाकी भाई कुछ होता तो मैं सीधा घुसंडी मारता, मैं फिर फिजिकली जाता, ऑनलाइन क्या करता मैं, ऑफलाइन ही करता था। अरे बीच में इतना चुतिया पे मैं बताऊँगा ना, अगर तो तुम पागल हो जाओगे कि ये कैसे गंडवे लोग हैं। मैं सबके बारे में बताने आ गया तो चाहे मेरी बात इतना इम्पैक्ट ना डाल पाए, बट जो समझदार लोग हो ना, वो उन लोगों को बहन सो देख रहा था थोड़ा, फॉलो वोलो भी नहीं करेंगे कि ये कैसे गंडवे लोग, कितने गंदे लोग हैं। वो तो मैं बोलने पे नहीं आ रहा, बस जिस दिन मेरे पे बोल दिया गया मैं मार दूंगा। मैं ऐसी ऐसी बातें हैं और मैं डरता भी नहीं, लौटा गेम के बारे में झांट नहीं पाड़ सकता कोई, चाहे मेरे से 20 करोड़ रुपए फालतू लेके बैठा हो। बट जिस दिन मेरे पे बात आ गई ना, मैं ऐसी मेरे पे आएगी नहीं, उनको ही पता है ये बैंड का लौड़ा है, सब बक देगा और मैं सब बक दूंगा। उनकी स्ट्रीमिंग लाइफ, उनकी ई स्पोर्ट्स लाइफ तो छोड़ो, मैं उनकी पर्सनल लाइफ भी खा दूंगा। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताया, चैट्स के स्क्रीनशॉट आज तक सेव्ड है। क्यों सेव्ड है? क्योंकि तुम्हारा भाई भी दिमाग से चला गया ना फिर उनकी मात। कभी भी मेरे को पता था दोगला तो कोई भी निकल सकता है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर सकता हूँ और वो मेरी झाट पर्सनल लाइफ कुछ नहीं कर सकते। अकेला घूमता हूँ जिसकी गांड में दम हो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। करेंगे उस दिन जिस दिन अति पे आएगी, हमारे पे आएगी। बोलो अल्टर भाई, अरे बहुत लोग हैं, तुम एक लोग का क्या नाम, किसी का नाम मत लिखो। अरे बहुत लोग हैं, सबको कवर कर दूंगा, 10-5-7 लोगों को एक साथ। कितने भी हो पैसे, कनेक्शन, लिंक, लौड़ा लसन, कितने भी औकात लगा लेना मेरे यहाँ तक, वो ऐसे भी नहीं कर सकते। और इतनी औकात रखता हूँ भाई मैं, और मैं हरियाणा से हूँ भाई, सीधी सी बात इतनी सी है, करते नहीं है। किसी से भी जिस दिन बोलना होगा, अपने बात आएगी तो बोलेंगे, वरना ठीक है चलो, क्यों लोगों की ज़िंदगी में आँच डालनी है ना, हमारा वो नेचर ही नहीं है किसी का गंदा करना, वरना आँच नहीं है उनकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर देता। लोगों ने चूतिया लगाया होगा, मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें फ़ोन में पड़ी हैं अपने इसी फ़ोन में कि लोग डर जाएंगे क्या क्या पड़ा है। 8 बिट पॉसिबल है? 8 बिट तो नहीं यार, 8 बिट में तो मैं जानना भी नहीं चाहता भाई, चाहे कोई टीम ना, वहाँ पे ऑलरेडी एक दो सीन ऐसे हो चुके थे पॉसिबल।